अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइव अट्रैक्शंस चैनल। आज आप सबके लिए एक और है इंटरेस्टिंग व्लॉग। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम मौजूद है कराची के एक फेमस इलाके गुलशन में, जहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त तालीमी बाग के नाम से पार्क बना हुआ है। इस पार्क के बारे में वैसे तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज इस व्लॉग के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इतनी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग चीज़ें हैं कि आप सब जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब हम विजिट करते हैं तालीमी बाग का और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। एंट्री टिकट ₹30 है और पार्क में एंटर होने के बाद आपको सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा अच्छा निज़ाम नज़र आएगा। में एंटर होते ही हमने सबसे पहले देखा कि वहाँ पर बहुत प्यारी सी बत्तखें घूम रही थी और उनके लिए एक बाकायदा तालाब बनाया हुआ था। बच्चे डक्स देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग सीमेंटेड स्लाइड्स बनी हुई हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। बम्पर कार राइड भी है। उसी के साथ साथ एक प्ले एरिया बना हुआ है और काफ़ी सारी बेंचेस भी लगी हुई हैं जहां आप बड़े मज़े से बैठकर पार्क के नज़ारे कर सकते हैं। पार्क के अंदर एक कैफेटेरिया भी मौजूद है जहां पर खाने पीने की साफ़ सुथरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बात करें बच्चों के स्विमिंग पूल की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, बच्चे इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। इसी के साथ साथ चेंजिंग रूम्स और टॉयलेट भी बने हुए हैं, साथ ही साथ बेंचेस भी लगी हुई हैं ताकि आप अपने बच्चों पर नज़र रख सकें। स्विमिंग पूल का एंट्री टिकट ₹100 पर चाइल्ड है, जो कि एक अनलिमिटेड टाइम के लिए है, यानी आपके बच्चे जब तक चाहें पूल में एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चे एनिमल्स के कितने शौकीन होते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए एक जुरैसिक पार्क का डायनो वर्ल्ड वहाँ बना हुआ है। इसका भी एंट्री टिकट ₹100 है और अंदर दाखिल होकर हम देखते हैं कि यहाँ पर मूवेबल डायनासोर मॉडल्स लगाए गए हैं। बच्चों ने इस जगह को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। के मॉडल्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो बिल्कुल रियल लुक दे रहे थे। विजिट कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद मिनी जू का, जिसमें आपको नजर आएगा ऑस्ट्रिच, एक्वेरियम में फिशेस, टर्टल्स, डियर, खरगोश, हैमस्टर, पैरट्स, मकाओ पैरट, पहाड़ी बकरा, स्वैन्स।
यहाँ हमने मोर भी देखे। और ये टर्टल तो बाहर निकलने के चक्कर में है। शाम हो गई तो एनवायरनमेंट और ज्यादा खूबसूरत हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है तो यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोग मैच देखकर एंटरटेन हो सकें। किड्स का सॉफ्ट प्ले एरिया भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जहां बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा एनवायरनमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पुरफिजा मकाम है और काफी बड़े एरिया पर ये पार्क बना हुआ है। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि एक टिकट में दो मजे, लेकिन नहीं, यहाँ पर है एक टिकट में बहुत सारे मजे। तीन चार किस्म के जंपिंग कैसल्स भी यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के लिए छोटा बोटिंग पूल है। इलेक्ट्रिक राइड्स के बगैर तो बच्चों की पिकनिक अधूरी रहती है, इसलिए यहाँ पर हमने काफी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक राइड्स को एंजॉय किया। और शाम के वक्त यहाँ बोटिंग करने का तो एक अपना ही मजा है। हम यहाँ
वहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्क के टाइमिंग्स हैं दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक। अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आइए और इस पार्क में आकर एंजॉय कीजिए।